सुप्रभात बच्चों, देखिए आज मैं आपके क्लास 12 का ग्रामर पोर्शन पहला चैप्टर जो है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको ये समझा दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम क्या है, राम है, और दूसरे का नाम क्या है, श्याम। ये मान लीजिए लग तो नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी इमेजिन करिएगा, ये राम है और ये श्याम। इस समय रामायण भी चल रही है तो आप लोग देखते होंगे अपने घर में। तो ये राम है, ये श्याम है। अगर ये राम जो है ये श्याम से कह रहा है कि मेरी तबीयत आज खराब है और मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक, मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये डायरेक्ट इससे कह रहा है, तो ये क्या हो गई, जो बात डायरेक्ट कही गई वो क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच होगी। अब मान लीजिए राम श्याम है और एक टीचर बना देते हैं, मान लीजिए जो स्कूल के टीचर होते हैं उनको टीचर, या फिर हम ही को सपोज कर लीजिए कि हम टीचर, ठीक है। तो अब राम ने श्याम से कही कि मेरी तबीयत आज खराब है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और यही बात श्याम ने आके किससे कही, टीचर से कही। लेकिन जब ये बात जो राम ने कही है श्याम से, वो जब श्याम कहेगा तो वो क्या कहेगा कि राम की तबीयत आज खराब है और वह स्कूल नहीं जाएगा। तो ये जो इनडायरेक्ट बात करने का तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं जो चुगली करने का तरीका है, जिसको चुगली कहते हैं, वो ही क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का एक मेथड है, और बहुत इजी मेथड है, मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत आसानी से आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले समझ लीजिए कि किस तरह से जो है डायरेक्ट होता है, दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगी डायरेक्ट आमने सामने, तो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। और अगर वो बात किसी और तक कन्वे करना है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल, पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, उसके बाद आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए राम सेड, आई गो टू स्कूल, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। राम ने कहा कि वो कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो पहले दो चीज, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। तो देखिए इस सेंटेंस में राम ने कहा कि वो कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और बाकी जितना बचा वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो ये हर सेंटेंस में आप याद रखिएगा कि रिपोर्टिव वर्ब क्या है और रिपोर्टिव स्पीच क्या है। हम आज की वीडियो में बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करेंगे। जो भी मैं आपको एग्जांपल सा समझाऊंगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझाऊंगा, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी आगे की वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ये आप में यहां जान लीजिए कि जो रिपोर्टिव वर्ब है वो सेट है, और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी यहाँ वर्ब जो है लिखा गया है, ये जो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच है वो बाकी जितना बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। अब देखिए ये जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो ये गो लिखा हुआ है वो क्या है, एक तरह का वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आप सो कह सकते हैं। अब इसको चेंज कैसे करना है, अब मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आप ये सब क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कि वर्ब और स्पीच और ये सब्जेक्ट और इसको चेंज कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बेसिक थिंग्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब आप किसी भी सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या रिप्लेस करेंगे, कॉमा, ये याद रखिएगा। व्हाइल चेंजिंग from direct to indirect, remove comma हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिना comma हटाए जो है आपका ये sentence जो है complete नहीं होगा। ठीक,
चलिए अब मैं हम कॉमा हटाते हैं और देखते हैं कैसे ये जो है सेंटेंस चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राम सेड, इसमें कोई चेंज नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं, राम सेड कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा हटाए क्या लिख देंगे यहां पे, दैट। कॉमा हटा के क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। आई आई से मान लो वह है, तो अगर वो कहेगा, वो अगर मुझसे आके कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हम यही बात नहीं कहेंगे ना, वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ आई है, लड़का है राम, तो यहाँ क्या लगाएंगे, ही कर देंगे, इसको सब्जेक्ट चेंज होगा ऑटोमेटिकली, सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा, आई के यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और गो जो है वो क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में जब बदलेगा तो गो से क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तो राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, बाकी का वैसा, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, ठीक है, ये देखिए स्कूल आपको पूरा दिख रहा होगा, राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, ये आप डायरेक्ट से क्या चेंज कर दिए, इनडायरेक्ट में चेंज कर दिए। इसी तरह मैं आपको आई के भी एग्जांपल्स करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए मैं आपके लिए यहां पे तीन एग्जांपल लेके आया हूं। द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग, तो अब इसको चेंज करते हैं। तो मैंने पहले ही जैसे आपको बताया है, द गर्ल ऐसे ही रहेगा एज इट इज, यहां पे सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा हटा क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए जब यहां लड़की है तो क्या लगाएंगे, आई के जगह क्या लगा देंगे, शी लगा देंगे, कॉमा हटाए यहां क्या लगाएं, दैट लगाएं, लड़की है इसलिए क्या लगा दिए, आई के जगह शी लगा दी, द गर्ल, ठीक है। और यहाँ पे रेड है तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको चेंज करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ, तो रीड का जो है सेकेंड फॉर्म भी क्या होता है, रीड ही होता है, लेकिन उसको बोलते हैं रेड, पढ़ते हैं रेड है लेकिन लिखते हैं रीड ही है, ठीक है। और बाकी एज इट इज रीड इन द मॉर्निंग, तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कितना आसान है इसको समझना, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस कॉमा हटा के यहाँ क्या लगाना है, दैट लगाना है। जो यहाँ पे जिस की बात करें, अगर लड़का होगा तो ही, अगर लड़की होगी तो शी लगा देना है आई की जगह, और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है। अगर प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं, ये बात याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आपको चेंज करवा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम चेंज कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जा रहा है, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट से किसमें, पास्ट में, प्रेजेंट से किसमें चेंज कर रहे हैं, पास्ट में। तो जब पास्ट में हम चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इसका फॉर्म बदल जा रहा है, और एज इट इज बाकी सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए चलिए दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दे सेड वी प्लेड फुटबॉल। अब देखिए यहां पे जो है बहुत सारे लोगों की बात हो गई, तो यहां फिर से उसी तरह करेंगे, दे सेड एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कॉमा हटाएं क्या लिखेंगे, दैट, क्या लिखेंगे, दैट। अब देखो वी की जगह क्या लगाएंगे, जब यहां पे एक चीज मतलब एक लोगों की बात नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोगों की बात हो रही थी, तो दे सेड, ठीक, तो अब यहां पे क्या आ गया, वी आ गया, तो वी बहुत सारे लोग हैं प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, ये तो देखिए यहां पे दे सेड दैट, यहां कॉमा हटा के क्या लगा दिए, दैट लगा दिया, बहुत सारे वी हैं, तो वी की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। देखिए यहां प्ले प्लेड प्लेड नहीं, यहां पे क्या होगा, प्ले होगा, ठीक है, वी प्ले फुटबॉल। तो प्ले का जो है सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, फुटबॉल, ठीक। तो इस तरह जब बहुत सारे लोग रहे जहां पे वी का इस्तेमाल रहे, वहां पे आप किसके चेंज करेंगे, दे लगाएंगे, और इसको प्ले को किसमें चेंज कर देंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से प्लेड लगा देंगे, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉय सेड द टीचर टीच हिम, ठीक। तो यहां पे देखिए द बॉय सेड, ये एज इट इज रहेगा, कॉमा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, कॉमा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है द टीचर, ठीक, तो टीचर क्या होता है, एक ही है, ठीक है, इसीलिए यहां पे क्या लगा हुआ है, द लगाएंगे, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा द टीचर। अब यहां देखिए टीचेस टीचेस, अब इसके वर्ब का क्या है, ये सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है, इसको किसमें चेंज करना है, पास्ट में, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टॉट
अब देखो यहां लिखा हुआ है मी, तो क्या वो मुझे पढ़ा रहा है, हमको पढ़ा रहा है? नहीं ना, वो किसको पढ़ा रहा है? जो ये बोला गया, जो बोल रहा है लड़का, उसको पढ़ा रहा है। किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? इनडायरेक्ट में। तो द टीचर्स टॉट किसको? उस लड़के को ना। तो हिम, यहां पे क्या लगाएंगे? मी की जगह हिम लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसको पूरा आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं है, बस कॉमा हटा के जो है जैसे वो लगा, दैट लगाना है। ठीक है, और सब्जेक्ट को चेंज करना है, अगर बॉय गर्ल होगा तो वैसे, अगर ज्यादा ग्रुप की बात होगी तो क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान की बात होगी, जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वहां पे वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वर्ब का फॉर्म हर जगह बदलेगा। ठीक, और जहां पे मी होगा, जहां पे सब्जेक्ट चेंज होने वाला होगा, वो तो होगा ही होगा, मी की जगह हिम हो जाएगा। अगर लड़का रहेगा तो हिम, अगर लड़की रहेगी तो हर। ठीक है, यहाँ लड़का था बॉय, इसलिए हम क्या लगा दिए? हिम लगा दिए। अगर ये लड़की होती तो क्या लगाते? हर लगाते। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पे जो मैं आपके लिए कुछ एक्सेप्शन केस लेके आया हूँ, ठीक है, ये जो कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे ये, ठीक है, देखिए, द मैन said, as it is रहेगा, कॉमा हटा क्या लगा देंगे? That. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कुछ चेंज करना है, तो क्या लिखा है? The man said the sun rises in the east. Sun कहाँ से उगता है? हमेशा किधर से उगता है? पूरब की तरफ से ना। कभी ऐसा हुआ है कि वेस्ट से भी उगने लगे? नहीं ना। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इन सब केसेस में क्या होता है? As it is वो रहता है, the sun rises in the east, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस नहीं होते हैं इन सेंटेंसेस में। कुछ एक्सेप्शनल केस है जो मुझे लगता था आपको बताना जरूरी है। ये जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आपको मैंने बता दिए कि अगर ऐसा कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसमें आप इसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पे जो दूसरा सेंटेंस है, माई फादर सेड, कॉमा हटा क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी जो है सबसे क्या है? सबसे अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, तो क्या ये पॉलिसी थी? अब नहीं है, ऐसा नहीं ना कर सकते हम इसको और चेंज करेंगे तो ये ना हो जाएगा कि पॉलिसी थी अब नहीं है, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? एक तरह का फैक्ट है जो कल थी, है और रहेगी, तो इसलिए इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे और एज इट इज लिख देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, तो ये आप लोग सॉल्व करिएगा, इसके बेसिस पे मैं कुछ एक्सरसाइजेस भी दूंगा, उसको भी सॉल्व करिएगा, और फिर आगे की वीडियोस में आपको और भी जितने भी तरह के फॉर्म्स हैं इसके, उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।